राजस्थान का सियासी दंगल हर पल करवटे बदल रहा है। सियासी एवरेस्ट पर पहुंची मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई के चलते कांग्रेस बीमार नजर आने लगी। ऐसे में अब कांग्रेस की कोशिशें संजीवनी पाने की है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब संजीवनी के सहारे अपनी सरकार बचाकर बीजेपी को चोटिल करना चाहते हैं। ऐसे में अदालत की चौखटों पर खड़ी सरकार अपनी अपनी जांच एजेंसियों को दौड़ा रही है। वहीं ऑडियो क्लिप केस में आरोप लगने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अब एक और मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। जयपुर की एडीजे कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के खिलाफ एक मामले में जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह आदेश संजीवनी क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी के 824 करोड़ के घोटाले में गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी पत्नी और उनके सहयोगी के खिलाफ दिए हैं। वहीं इस मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि उन्होंने अशोक गहलोत के बेटे को हराया था, इसीलिए गहलोत उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। शेखावत ने कहा कि अशोक गहलोत उनके कंधे पर बंदूक रखकर सचिन पायलट को निशाना बना रहे हैं, उन्हें षड्यंत्र के तहत बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है। बता दें कि इससे एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के परिजनों पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के यहाँ पर 7 करोड़ के फर्टिलाइजर स्कैम मामले में छापा डाला था। ऐसे में अब सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद ही तय होगा कि किसे संजीवनी बूटी मिलती है और कौन वेंटिलेटर पर चला जाता है। स्पीकर के पक्ष में फैसला आता है तो गहलोत खेमे की कांग्रेस को संजीवनी मिल जाएगी। वहीं अगर फैसला पायलट खेमे के पक्ष में जाता है तो इसमें बीजेपी भी अपने लिए ऑक्सीजन की तलाश करेगी। ऐसे में राजस्थान भाजपा वेट एंड वॉच की भूमिका में है। पार्टी के नेता बैठकें तो कर रहे हैं, लेकिन सबको कोर्ट के फैसले और विधानसभा सत्र का ही इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।